श्रीमद् भागवत गीता हिंदी और सरल भाषा में 12वां अध्याय भक्ति योग श्रीमद् भागवत गीता प्रस्तुतकर्ता आध्यात्मिक कहानियां। दूसरे अध्याय से लेकर यहां तक भगवान ने प्रत्येक स्थान पर सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक खास सगुण साकार परमात्मा की उपासना का महत्व भी बताया है। उसके साथ 5वें अध्याय से लेकर 17 से 26 श्लोक तक, 6वें अध्याय से लेकर 24 से 29 श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11 से 13 श्लोक तक, इसके अलावा और कई जगहों पर निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व भी बताया है। अंत में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बताकर मृतक कृतक से शुरू हुए आखिरी श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की महत्वता पर जोर दी गई है। इस विषय पर अर्जुन के मन में ऐसी पैदा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की तथा सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों उपासकों में उत्तम कौन है, ये जानने के लिए अर्जुन ने पूछा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथि नयन स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब के समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अभिव्यक्त विषयक गति दुर्पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उस मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इससे कुछ भी शयन नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू बताए गए अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधक को करने से भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है,
अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं ही किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्योगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख सुख दुखादि द्वेदों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि अभिभक्ति और भक्तिमान पुरुष मुझको अत्यंत प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे गए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगला अध्याय सुनने जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।